बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं लैला फ्रूक। आज मैं आपके साथ चिकन केचप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आप देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। वहाँ पे मैंने 1 kg चिकन ली है, 5 tablespoon मैंने केचप के लिए हैं, और 1 छोटा प्याज ली है, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ली है, और डार्क सॉस और सोया सॉस का 1 tablespoon ली है, और 1 tablespoon मैंने चिली सॉस ली है, 1 tablespoon मैंने सिरका और 1/2 teaspoon मैंने नमक के लिए, क्योंकि ये सोया सॉस भी आपको पता है नमकीन होती है, तो अगर ज़रूरत पड़ी मैं और डालूँगी तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने चिल्ली का पेस्ट लिया है 2 tablespoon। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 1/2 प्याली ऑयल की डालेंगे, बाद में हम इसमें डालेंगे। ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो इसमें अपना कटा हुआ प्याज में डालूंगी, इसको थोड़ा लाइट ब्राउन सा करते हैं। चलें जी, यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो होता है, इसको थोड़ा सॉल्ट में करूंगी, चिकन ऐड करते हैं। इसके साथ वाइट चावल खाए जाते हैं, या तो मलेशिया में बहुत ही इसको खाया जाता है, बहुत मज़े का ये बनता है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं अब कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, एम्बुलेंस वगैरह जा रही हैं। अल्लाह पाक सबको अपने एक सामान में रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह खैर करे। चलें जी, अब हम अपना चिकन इसमें शामिल करते हैं। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी, 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी, चिकन उतना पानी छोड़ेगा, फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से। चलें जी, ये देखें इसी में ही पकाएंगे, ये और थोड़ा पकते हैं कि बाकी के मसाले इसमें डालते हैं, सॉस वगैरह। ये देखें, लहसुन प्याज सारा कुछ मसाला अच्छी तरह से हो गया, चिकन भी गल गया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे पहले हम अपना नमक डालेंगे, सिरका, और साथ में ये सोया सॉस, डार्क सॉस, ये गार्लिक चिली सॉस है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बाद में मैं थोड़ा डालूंगी, पहले इसको अच्छी तरह से भून लूँ। चलें जी, ये देखें, यहाँ पे मेरा चिकन अच्छी तरह से हो गया। तो ये देखें, ऑयल भी उसने लगा कर दिया। इसमें मेरे ये जाएंगे लेमन लीव,
का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ वाइट राइस होते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त लगते हैं चावलों के साथ और इस चिकन के साथ। यहाँ पे मैं पहले 3 से 4 टेबलस्पून पानी का डालूँगी। अब हमारी इसमें जाएगी कि मैंने 6 टेबलस्पून जो है ना केचप ली हुई है, हमारी जाएगी इसमें। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको और पकाऊंगी। चलें जी ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का मेरा केचप चिकन जो है वो तैयार हो गया। इसमें अब मैं थोड़ी सी डालूंगी काली मिर्च, ये देखें इससे ज़्यादा सी है मेरी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको लास्ट पे डालते हैं इसलिए ताकि इसकी प्यारी सी स्मेल, जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आती है। तो साथ पकाने में डाल दें तो फिर उसकी स्मेल जो है ना, खुशबू जो है ना ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैं इसको लास्ट पे डालती हूँ। तो चलिए मैं आपको आपको राइस के साथ डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। ये देखिए मेरा ज़बरदस्त किस्म का केचप चिकन जो है वो तैयार हो गया। ये वाइट राइस के साथ ही खाया जाता है। तो यहाँ पर मलेशियन रेस्टोरेंट पर जाएँ तो वहाँ पर इसी तरह का बना हुआ मिलता, बहुत ही मज़े का ये बनता है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अपनी रहमत के साए में अल्लाह की ज़ात रखे, रोज़े रखने की तौफीक दे, अल्लाह की ज़ात खैर करे आपके और हमारे रिज़क में, अल्लाह की ज़ात बरकत डाले। अल्लाह हाफिज़।